तो दोस्तों चलते चलते अपने साथ आ गए हैं इस गांव के को, तीन कुत्ते भी, ये भी शायद अपने साथ ट्रैक में चलेंगे, बड़े प्यारे प्यारे हैं। कहीं भी उत्तराखंड देवभूमि में आप जाते हो भाई तो इस टाइप का सीन आपके साथ होता ही होता है, कहीं आप पैदल ट्रैक कर रहे हो तो आपके साथ कुत्ते जरूर चलते हैं। मैक्स 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 अपना मैक्स की याद आ गई इनको देख के भाई। नमस्कार सभी को, आज खड़े हैं हम हरिद्वार में ग्रुप में, और आज हमारी तैयारी हो रही है केदारकंठा की। बाकी अपना पूरा ग्रुप हो चुका है तैयार सुबह सुबह, अभी टाइम हो रखा है 7:30 का, तो अभी निकलने का हमारा पूरा तैयारी है। बाकी सारे ग्रुप हमारे रेडी है, रेडी है भाई लोग, सारे रेडी भाई लोग रेडी तैयार है भाई, तो करते हैं यहाँ से अपनी टूर स्टार्ट। रेडी हो रहा हमारा, तैयारी अपनी फुल चल रही है, बैग पैक हो गए सारे भाई अपना रेडी। तो यहाँ इस कमरे में हम रात को सोए थे भाई, अब निकलते हैं यहाँ से। बाकी आज के टूर हमारा भव्य होने वाला है, हम निकलने वाले हैं आज के टूर में साकरिया गांव तक। तो सफ़र होता है दोस्तों अपना चालू हरिद्वार से, यहाँ से हमने स्टार्ट किया अपना सफ़र। फर्स्ट दिन था हमारा ट्रैक उसका ट्रैवल का, जो आज सकरिया गांव तक हमने कंप्लीट करना था। तो हरिद्वार से स्टार्ट करके दोस्तों पहुँचते हैं हम देहरादून, ये सिटी पूरी देहरादून की है। तो देहरादून पहुंचते ही नज़ारा दिखता है हमें कुछ ऐसा, अपनी संस्कृति को झलकाते हुए सड़क के किनारे वाले सारे दीवार पेंटिंग से, और उत्तराखंड का पूरा कल्चर इन दीवारों में दर्शाया गया। खूबसूरत से नज़ारे के साथ अपना सफ़र है जारी। हम भी एक नए जगह जा रहे थे तो काफ़ी एक्साइटेड भी थे और घबराहट भी थी अंदर से। बाकी जो सुंदर सा नज़ारा यह हमें दिख रहा है, यह सब कुछ बुला दे रहा है। तो चलते चलते श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर का कुछ इस टाइप का नज़ारा दिखता है, भव्य था, इसके भी दर्शन करते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे को। ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत सा पल है, और आने वाला जो हिल स्टेशन था, फेमस हिल स्टेशन मसूरी का कुछ इस टाइप का नज़ारा। तो सफ़र करता है कुछ इस टाइप का, चलते चलते प्रकृति की खूबसूरती अपने सामने साक्षात होती हुए हमारी यात्रा है जारी। नाश्ता करने यहाँ पर रुके हैं, तो यहाँ से नाश्ता करके हम लोग निकल रहे हैं। तो करते भाई नाश्ता आपका स्टार्ट, हिमू का मुझे छोड़ो कैंपिंग हॉल में, हिमू का रस्ते देना पड़ेगा भाई, गर्म गर्म मैगी खाने को मिल गया। और कुछ इस टाइप का सीन रहता कैंपटी फॉल का, भाई साहब ने टकाया है बैनर। तो निकलते हैं आगे का अपना सफ़र करते हैं जारी। कैंपटी फॉल है, तो कैंपटी फॉल पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ का कुछ इस प्रकार का दृश्य है, काफ़ी सुंदर सा दृश्य है यहाँ का। तो ये नज़ारा है कैंपटी फॉल का, कुछ इस टाइप का है आप देख रहे हैं, ब्यूटीफुल सा नज़ारा कैंपटी फॉल का है भाई। तो काफ़ी टूरिस्ट आता है यहाँ पे एंजॉय करने, ये सारी चीज़ें देखने, देख रहे हो ऊपर भरा हुआ है पुल। बाकी हम नीचे आए हैं अभी जो फॉल के समीप, आप लोगों के लिए मैंने एक ब्लॉग शूट करना था तो ब्लॉग के लिए स्पेशल आए यहाँ पे। तो इस टाइप का कुछ नज़ारा है भाई कैंपटी फॉल का। चलते चलते सफ़र में काफ़ी प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हुए कुछ वो नज़ारा हमें मिला रास्ते में, जो झांकी के साथ पैदल यात्रा करते हुए ढोल नगाड़े बजाते हुए यह दृश्य दिखता है। यहाँ पे फंस चुकी है गाड़ी, हम लोग ट्रैक था हमारा सफ़र था जारी, काफ़ी रोड ख़राब है। यहाँ पे मैक्स कैंपर फंस चुका था, जो लोकल का ही था, हमसे निकालने की रिक्वेस्ट करी, हम उतरे गाड़ी से पर समस्या काफ़ी गंभीर थी।
हो चुका है पोपट और हम पहुँचे हैं अभी संक्रिया गांव में, क्योंकि 5,000 रुपये पर पर्सन ये ऊपर ट्रैकिंग का ले रहे हैं, जो कैंप और खाने का रहेगा। ठीक, तो अभी गए थे हम लोग फॉरेस्ट ऑफिस में, वहाँ पर भी यही बोला गया कि विदाउट कंपनी के हम आपको ट्रैक ये नहीं कर सकते हैं अलाउ। तो इस टाइप का कुछ पोपट हो गया अपने साथ, कर लिया हमने आज के यात्रा से 10 किलोमीटर पहले हैं, और ये चल रहा है अपना कुछ इस टाइप की तैयारी खाने पीने की, और बाकी हमने लगा दिया अपना टेंट वगैरह सब रेडी है नाइट स्टे के लिए, तैयार हैं। सारे लोग सो चुके हैं पीछे टेंट के अंदर, और 2 पर्सन हमारा गाड़ी में सोया हुआ है, बाकी मैं कर रहा हूँ उनकी पहरेदारी भाई, उस क्लास की आग सेकते हुए फायर अपना ऑन कर रखा। नीचे से कुछ आवाज़ आ रही है चिल्लाने की बड़ी ज़ोर ज़ोर से, पता नहीं क्या चीज़ है, कुछ जानवर है जंगली, मुझे भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि वॉइस किस चीज़ की है, आवाज़ किस चीज़ की है। तो भाई बना हूँ अपने कैंप, फिलहाल सामने गांव में कुत्ते भी भौंकने लग गए, कुछ जंगली जानवर नीचे बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है जंगलों में, पता नहीं है क्या चीज़, दिखाई नहीं दे रहा। तो इस टाइप से गुजर रही है आज की रात अपनी, पता नहीं क्या चीज़ है भाई, नज़दीक आते जा रहा आवाज़ उसकी और ज़ोर से सुनाई दे रही है अपने को, पर इधर नहीं है, अपने आसपास नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, मतलब दिखने वाली जगह पर नहीं है, नज़रों के सामने नहीं है, कहीं नीचे है उधर। तो ऐसी गुजर रही है भाई अपनी रात, यहाँ पर लगाया हमने कैंप अपना, सारे लोग सो चुके हैं अंदर, बाकी अपना आग जलाई आपके, मैं कर रहा हूँ इन लोगों की पहरेदारी इस टाइप से भाई, ऐसी होती नाइट कैंपिंग भाई। सामने बोर्ड है रोड का और जस्ट सामने है गांव, वहाँ से कुत्ते भौंक रहे हैं बड़े ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि उन्हें भी सुना है वो जानवरों की चिल्लाने की आवाज़, तो उनका बड़ी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे भाई। कोई दिक्कत नहीं, मैं बने रहूँगा कैंप के साथ।